आपके साथ। पूर्णिया में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कुछ मीडिया कर्मी खबर बनाने के लिए मधुबनी की ओर निकले थे। वहां रास्ते में कुछ लोगों से एक सूचना मिली कि मधुबनी नहर के किनारे, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जो मेरे पीछे घर है, इस मैदान में अकेला ये घर और इस घर के अंदर करीब 2-3 दिनों से एक लाश है जो संदिग्ध अवस्था में है। इस बात की सूचना जब मिली मीडियाकर्मियों को, तो मीडियाकर्मी यहाँ पहुँचे, कुछ चैनल वाले और थे साथ में। जब हम लोगों ने इस घर का मुआयना किया तो कुछ संदेह ज़रूर प्रतीत हुआ था, और इस संदिग्ध होने के कारण हमने TOP मधुबनी को कॉल लगाया। उसके बाद पुलिसकर्मी हमारे साथ यहाँ पहुँचे, और इस घर में मीडियाकर्मियों के साथ जब अंदर जाकर हमने देखा तो एक लाश, एक व्यक्ति का, एक युवक का लाश पड़ा है, जो सफ़ेद गंजी और हाफ पैंट में है अंदर। हालांकि इसका गेट अभी तक नहीं खुला, आप देख सकते हैं। इसका जब गेट खुलेगा अंदर में, फिर औपचारिक जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी होगी। और फिलहाल जो एक बड़ी खबर है पूर्णिया से, ये कि इस वक्त इस घर के अंदर एक कमरे के बाथरूम में लाश पड़ा हुआ है। वो लाश किसका है, अब ये सारी चीज़ें पुलिसिया जाँच के बाद पता चलेगी। फिलहाल इस मैदान में एकमात्र ये घर है, इस घर के अंदर ऐसा कहा जा रहा है, जैसा स्थानीय लोगों में सुगबुगाहट थी, कि 2-3 दिनों से शायद इसमें लाश पड़ी होगी। और अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अंदर में लाश देखा गया है। हालांकि पुलिस के और भी टुकड़ी दलबल पहुँच रहे हैं यहाँ पर, जो इस ताला को तोड़ेंगे और औपचारिकताएँ यहाँ से पूरी की जाएगी। लाश किसका है, इसकी छानबीन होगी। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रही है। आप देखते रहिए SDN न्यूज़, जानेंगे आगे क्या है पूरा मामला। मधुबनी TOP अंतर्गत रहमत नगर में नहर किनारे एक बड़े से मैदान के बीच में एक सुनसान घर। स्थानीय लोगों में यह सुगबुगाहट थी कि पिछले 2-3 दिनों से अंदर एक शव पड़ा है। यह शव किसका है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं, यहां तक कि पुलिस भी इस बात से महरूम थी। मधुबनी की ओर खबर संकलन में निकले कुछ पत्रकारों को इस बात की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर जब हम मैदान के बीचों बीच एकांत घर के करीब पहुंचे तो सब कुछ सामान्य सा दिख रहा था। थोड़ी देर हमें उस घर के इर्द गिर्द भटकने के बाद कुछ संदिग्ध सा प्रतीत हुआ। इसके बाद TOP मधुबनी को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी घर के बाहर से कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में कुछ स्थानीय लोग और पत्रकारों ने खुद से घर के अंदर दाखिल होने का जिम्मा उठाया, और अंदर जो देखा उसे देखने के बाद होश उड़ गए। घर के अंदर बाथरूम में एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शव को बाथरूम के नल से बांध कर रखा गया था। शव में कीड़े पड़ चुके थे, मगर उससे बदबू नहीं आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। घटना की पुष्टि होने के बाद मौके पर मौजूद ASI ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी। नाम उसके बारे हमको, हम सिर्फ इतना जानते हैं झाजी है, जात का झाजी। अच्छा, इसका नाम क्या है? अच्छा, इसका पहले भी कोई मामला था ना लड़की वाला? अरे यहाँ तो हम लोग को पता चला, यहाँ तो ढेरी आदमी आता, पता चला कोई लड़की लेके भाग गया, वो वही यही सब चीज पता चला। हाँ, कितना उम्र का था? लगभग 30-32 साल का होगा झाजी। अच्छा, लड़की कितना उम्र का है वो क्या? कहाँ का था, ऐसा कुछ आइडिया है? ना ना, क्या करता है सब कुछ? नहीं ना, ना इतना डिटेल हम उसका पीछे हम नहीं रहते हैं कि इतना डिटेल हमको बतलाएगा वो। क्या उम्र उम्र कैसा कुछ है? क्या नाम क्या पूछियो ना। काफी मशक्कत के बाद घर के बाहर का ताला तोड़कर पुलिस वाले अंदर प्रवेश किए और अंदर से शव को निकाला गया।
हालांकि खबर लिखने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। अब ये शव इस घर वाले का है या फिर हत्या करके यहां लाकर रख दिया गया है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि मैदान के बीचों बीच इस एकांत घर में क्या कुछ हो रहा था इसकी कोई खबर किसी को भी नहीं थी, ना ही स्थानीय लोगों को इस घर के बारे में कुछ खास जानकारी थी। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस बल ने ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद अंदर प्रवेश की है तो वाकई इस घर में बाथरूम में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी में जो सबसे ख़ास चीज़ है कि उसे बांध के रखा गया है नल के बीचों बीच। जैसा आप विजुअल में भी देखे हैं वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करीब 2 से 3 दिन पहले का ये शव दिखाई पड़ता है। इस पर कीड़े भी लगे हुए हैं और शव को इस तरह से लेटा कर रखा गया है, सुला कर रखा गया और उसमें जो रस्सी से बांध कर रखा गया है इससे पता चलता है कि इस शव को यहाँ पर ही ठिकाना लगाया गया है। इस बात से हो सकता है कि अपराधी जो है वो अस्वस्थ हो कि शायद इस ठिकाने का पता पुलिस तक ना पहुँच पाए, क्योंकि ये नहर के किनारे तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर मैदान के बीचों बीच एक मकान है और उस मकान के अंदर ये बाथरूम में शव पड़ा है। हालांकि अब ये पुलिसिया जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये शव किसका है, चूँकि इसके घर के बारे में भी खासी जानकारी किसी को नहीं है। ये कभी कभी यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो आते थे, स्थानीय लोगों से पता चला है। फिलहाल पुलिस बल यहाँ मौजूद है, इस चीज़ में छानबीन में लगी हुई है, शव को यहाँ से जब्त करेगी और अब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से जाएगा। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली, एसटीएन न्यूज़।